लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कैसे नया आप स्टॉक की इन्वेस्टर मोड की मदद से इन्वेस्टमेंट करना है, और आज हम सीखने वाले कैसे आप स्टॉक की मदद से खरीदा गया स्टॉक को सेल करना है। सबसे पहले नया आप स्टॉक मोबाइल ऐप ओपन कीजिए। अगर आपने इन्वेस्टर मोड ऑन नहीं किया है देन सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे क्लिक करके इन्वेस्टर मोड एक्टिवेट कीजिए। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था कैसे नया आप स्टॉक मोबाइल ऐप यूज करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, मनी ऐड करना है, विद्रॉल करना है, कैसे खुद की पोर्टफोलियो को ट्रैक करना है या फिर चेक करना है। उस वीडियो की लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन और फास्ट कमेंट पे। लास्ट वीडियो की फ्लो कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे इन्वेस्टेड किया गया स्टॉक सेल करना है। स्टॉक सेल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करके खुद की पोर्टफोलियो ओपन कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने से आपको मिलेगा योर इन्वेस्टमेंट सेक्शन, जहाँ पे आपको मिलेगा आपने जहाँ पे भी निवेश किया है, जिस भी कंपनी के अंदर, जिस भी स्टॉक के अंदर आपने निवेश किया है उसकी एक कंप्लीट लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर से सिलेक्ट कीजिए कौन सी स्टॉक आप बेचना चाहते हैं, जिसे भी आप बेचना चाहते उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ऐसे तो फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं बेचना है, फिर भी आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए मैंने पहला स्टॉक के ऊपर क्लिक किया और इसे ओपन किया। यहाँ पे आपको सारे जानकारी मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके पास इस कंपनी की टोटल कितने शेयर है, उसके बाद मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू फिलहाल कितना है, देन आपको मिल जाएगा आज के दिन पे टोटल आपको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है, और इसके नीचे ही आपको मिलेगा टोटल आपको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है इस इन्वेस्टमेंट से। जो भी है फिलहाल सेल करने के लिए क्लिक कीजिए एकदम नीचे दिया गया सेल बटन पे। देन नेक्स्ट पेज पे आपको भी मिलेगा बिल्कुल सेम टू सेम इंटरफेस। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, उसके बाद कस्टम सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा ऑप्शन कि आप कितने शेयर सेल करना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है मेरे पास टोटल कितने शेयर है और उन शेयर की टोटल वैल्यूएशन आज के दिन पे कितना है। आपको भी कुछ ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा, आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर कीजिए टोटल कितने शेयर सेल करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे फिलहाल के लिए एक शेयर सेल करना है, तो यहाँ पे हमने एक एंटर किया और कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रिव्यू पेज, जहाँ पे सबसे पहले रहेगा सेल करने के बाद आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते देन आपको मिलेगा सेलिंग के लिए कितना चार्जेस लगने वाला है। साथ ही साथ याद रखना लाइव मार्केट के अंदर शेयर प्राइस हमेशा ही चेंज होते रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो सेलिंग अमाउंट है वो थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा भी हो सकता है। जो भी है चेक करने के बाद फाइनली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेकर आपको भी कुछ ऐसा ही एक पेज मिलेगा, जहाँ पे आपको टीपिन की मदद से इस सेलिंग प्रोसेस को ऑथोराइज करने के लिए कहा जाएगा। अब अगर आपके पास पहले से ही टीपिन है देन यहाँ पे क्लिक करके सेलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, और अगर आपके पास टीपिन नहीं है फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम 30 सेकंड के अंदर खुद के लिए एक नया टीपिन क्रिएट करेंगे। फिलहाल टीपिन जनरेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा खुद की BOID, यहाँ पे क्लिक करके इस सिंबल के ऊपर क्लिक करके खुद की BOID कॉपी कीजिए। उसके बाद जनरेट पिन ऑन CDSL इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको भी मिलेगा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही एक इंटरफेस, यहाँ पे सबसे पहले खुद की BOID को एंटर कीजिए, उसके बाद नीचे यहाँ पे खुद की पैन नंबर डालिए और क्लिक कीजिए नेक्स्ट बटन पे। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, उसे यहाँ पे डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, बातों ही बातों में सक्सेसफुली टीपिन जनरेट हो चुका है, जो कि विद इन अ सेकेंड मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपको मिलेगा। अब इस नंबर को संभाल के रखिए, अगले टाइम भी स्टॉक सेल करने के दौरान इसकी जरूरत आने वाला है। याद रखना किसी भी दिन पहली बार डिलीवरी शेयर सेल करने के दौरान टीपिन की मदद से खुद को वेरीफाई या फिर ऑथेंटिकेट करना होता है। इसके अलावा सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए चाहे तो आप कितने बार भी टीपिन जनरेट कर सकते हैं। जो भी है फिलहाल यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके इस पेज को क्लोज कीजिए। अभी फिलहाल यहाँ पे नीचे दिया गया ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक कीजिए, साथ ही साथ फिर से आपको मिलेगा सेम टीपिन डालने की पेज। अभी फिलहाल हमें टीपिन की मदद से खुद को वेरीफाई करना है,
तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे दिया गया कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। थोड़ी देर पहले हमने टीपिन जनरेट किया था, उस टीपिन को यहाँ पे एंटर कीजिए और क्लिक कीजिए वेरीफाई बटन पे। साथ ही साथ फिर से आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे फिर से और एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के क्लिक करें वेरीफाई बटन पे। बहुत ही अच्छा, साथ ही साथ ट्रांजैक्शन हो चुका है अप्रूव्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सेलिंग प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अभी फिलहाल यहाँ से कंटिन्यू कीजिए और चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके खुद की पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो देखा आपने स्टॉक सेल करने की प्रोसेस कितना ज्यादा आसान है। अभी अगर आप खुद से ही फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते, खुद से ही एक बेस्ट स्टॉक को फाइंड आउट करने की प्रोसेस सीखना चाहते, देन फंडामेंटल एनालिसिस प्लेलिस्ट देखिए। इन वीडियो के अंदर, इन प्लेलिस्ट के अंदर हमने कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाते उसके ऊपर भी डिस्कस किया है और प्रैक्टिकली अलग अलग स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। तो इन प्लेलिस्ट को देखिए और खुद से ही खुद के लिए एक बेस्ट स्टॉक को फाइंड आउट कीजिए। आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, पसंद आने पे डिसलाइक, और इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट अपस्टॉक के ऊपर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। जो भी है, थैंक यू दिल से। हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।